press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NIS ऑनलाइन हब में। तो फाइनली जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है डिसीजन आ गया है और बिहार शिक्षक बहाली पर जो है स्टे लग गया है। जी हाँ दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने हैं, आप देख पा रहे होंगे अभी की बड़ी अपडेट आ रही है कि बड़ी खबर 94,000 प्रारंभिक शिक्षक की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। अगली सुनवाई जो है 4 सितंबर को है, तो यहाँ पर सीटेड दिसंबर वालों को कह सकते हैं बड़ी एक जीत मिली है, छोटी सी जीत। शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। तो क्या है बड़ी अपडेट, यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि अभी की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि पटना से लाइव अपडेट आ रही है कि पटना हाईकोर्ट ने 94 प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी है। नीरज कुमार याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश देते हुए कहा कि बहाली के क्राइटेरिया बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। और यहां पर आगे भी देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के वकील दीनू कुमार सिंह और रितिका रानी ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा 5/6/2020 को प्राइमरी शिक्षकों की बहाली को लेकर उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन मांगी गई थी। इस विज्ञापन के अनुसार जो अभ्यर्थी टीटी एस्टेड और डीएलएड पास से वे 15/6/2020 से लेकर 14/7/2020 तक आवेदन दे सकते हैं। और यहां पर अपडेट यहां पर देख सकते हैं, लेकिन इन सबों के बीच बहाली को लेकर एक पत्र निर्गत किया गया था जिसमें यह आदेश यह काउज था कि जो 23 नवंबर 2019 तक डीएलएड की पास कर चुके हैं वे आवेदन दे सकते हैं। वही जो अभ्यर्थी दिसंबर 2019 में स्टेट पास चुके हैं वे आवेदन दे सकते हैं। इस सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने पूछा कि अपने बीच में क्राइटेरिया कैसे बदल दिया, साथ ही 94,000 शिक्षकों की बहाल पर जो है रोक लगा दी है। इस संबंध में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होनी है। और यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो आप सभी तमाम सीटेड दिसंबर वालों के लिए बड़ी ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यानी कह सकते हैं कि एक छोटी सी यहाँ पर जीत मिली है। तो दोस्तों आप ले हौसले को बुलंद रखें और आपकी जो है जीत पक्की होनी है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर जो है एंड करता हूँ और यही आग्रह करता हूँ कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में लगातार जुड़िए, क्योंकि आपको सीटेट दिसंबर और बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित करंट अपडेट दी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।